अब आप लोगों की तारीफ तो मैंने बहुत खोल के कर दी, लेकिन असलियत ये है या नहीं ये तो जानने की बात है कि हमारे यहाँ भी अहंकार कुछ कम नहीं है मनुष्य में, लेकिन बेकार की चीज़ का हमें अहंकार हो जाता है। और वो इस तरह की बेकार की चीज़ें हैं कि उसके बारे में हम लोग जानते हुए भी कि महा बेवकूफ़ी हम उसे करते रहते। सहज योग जो है आपको सत्य के दर्शन कराते, सत्य जो है था और रहेगा उसके मामले में कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप कहें कि चलिए माँ ऐसा ही क्यों नहीं कह देते आप जिससे काम बन जाए, इस तरह से बोल दीजिए अच्छा रहेगा, उस तरह से कह दीजिए तो अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात सत्य में नहीं। जो है सो है वो इसी तरह से रहेगी, और अगर आप सत्य नहीं मानना चाहेंगे तो उसका आपको भोग उठाना पड़ेगा। माने ये नहीं कि सत्य आपको हानि देता है, लेकिन सत्य को अगर आप छोड़ दें तो आप असत्य पे उतर आए, और जब असत्य पे उतर आए तो असत्य तो हानिकारक है, वो आपको तकलीफ देगा। ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोग सहयोग में आए, बहुत कुछ ऊंचे उठ गए, बड़ा उन्हें लाभ हुआ, बहुत कुछ पा लिया, बहुतों को पार किया, उसके बाद उन्होंने सहयोग छोड़ दिया। उसके बाद आपने साल बाद आए कि माँ मुझे तो बीमारी हो गई अब मैं क्या करूँ, ऐसे भी बहुत से लोग होते तो कहले अब देखो सहज योग ने हमें सजा दे दी। सहज योग ने आपको सजा नहीं दी, लेकिन अगर आप किसी की छत्र छाया में बैठे हैं और उसे छोड़कर आप बाहर जाएं और आप पर अगर बरसात आ जाए तो क्या आप कहिएगा कि छत्र छाया ने आपको तकलीफ दे दी, आपने अपनी छत्र छाया मिटा दी और आप बाहर चले गए। पर सहयोग में रहने से ये जो छत्र छाया है ये आप पे अगर छाई हुई है तो ये वास्तव में आपके ऊपर उपकार है कि आपका उस छत्र छाया पे उपकार है? ये तो उस छत्र छाया का उपकार है, परम उपकार है कि उसने आपको पाया और अपने अंतर्गत रखा और आपकी छोटी छोटी बात का भी ख्याल। सहयोग में जो बहुत सी बातें मिलती हैं उसमें से जैसे मैंने आपसे बताया था कि लक्ष्मी का भी प्रसाद आपको मिलता है, और लक्ष्मी जी का प्रसाद होता है वो भी मैंने आपसे बताया कि नाभि चक्र श्री लक्ष्मी विराजती हैं, उनकी शक्ति विराजती है। और लक्ष्मी जी कैसी है का भी वर्णन मैंने आपसे बताया, लक्ष्मी जी जो है उसमें और पैसे वाले में महद अंतर होता है। लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हैं, उनके हाथ में कमल है और एक हाथ देने वाला एक हाथ आशय है। कमल पे जो खड़ी होगी उस लक्ष्मी जी देखने में तो काफ़ी भरी भक्कम दिखाई देती है, कभी आपने लक्ष्मी जी को एकदम ऐसे नहीं देखा हो जैसे आजकल की ब्यूटी क्वींस होती है, लेकिन उनकी तंदुरुस्ती काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उनको अपने अंदर बहुत कुछ ज़्यादा पानी का समावेश, उनका जन्म ही पानी से हुआ ना, जिसका जन्म पानी से है उसके अंदर तो पानी बहुत होना पड़ता है, उसकी भी वजह होती है। अगर उनके अंदर पानी हो तो इतने जो चक्र चलाने पड़ते हैं उसके लिए बफर, उसके लिए रुकावट, उसके लिए एक बीच में बचाव और कुछ नहीं रह जाता, इसलिए पानी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है और इस वजह से भर भक्कम होती है। और तो भी वो कमल पे खड़ी, माने उनकी वो तबीयत से इस कदर शब्द नहीं हिंदी में पर जिसे कहना चाहिए कि इस कदर वो सजी हुई है या तबीयत से इस कदर वो सधी हुई है कि पूरा बैलेंस करके भी, और उनका कोई वजन ही नहीं डालती कमल पर, कोई उनका वजन नहीं डालती, यानी अपना बोझा वो किसी पे नहीं डालते। आप देख लीजिए लोग कितना बोझा दूसरों पे डालते। अब जैसे कोई मेहमान आ गए आते साथ हमारे, खासकर सहयोगी लोग भी कभी कभी ऐसा काम करते, ये खासियत हिंदुस्तानी सहयोगियों की भी होती है। जैसे कि आप कहीं से आए, आप दिल्ली में आ गए कोई सहयोगी, तो वो पहले कहेंगे कि साहब यहाँ कुछ आराम नहीं हमें मिल रहा, और यहाँ पे हमें खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये इंतज़ाम ठीक नहीं है, वो इंतज़ाम ठीक नहीं है। जैसे अपने घर में तो ये लोग बिल्कुल आलीशान बगीचों पे ही रहते हैं, यहाँ आते ही साथ सबको पता हो जाता है कि साहब यहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ फलानी चीज़ अच्छी नहीं है। कोई अगर बम्बई आए तो उनका भी यही, मतलब आप एक कांटा बन के रहते, हर जगह आप फूल जैसे नहीं रहते, आप कांटे की तरह रहते, कि हर आदमी को आप चुपते रहते, हर जगह हर एक को महसूस होना चाहिए कि आप से आए हुए हैं, आप कोई विशेष चीज़ है, आपको कोई ना कोई विशेष चीज़ होनी चाहिए।
इस तरह से हम लोग अपना जीवन जो है वो सोचते हैं कि हमने बड़ा अपना महत्वपूर्ण कर दिया, और जिस आदमी के ज़्यादा रुपया का वो उतना ही ज़्यादा नखरे करता है। जितना आदमी गरीब होगा अपने देश में उतने उसके नखरे कम होंगे, लेकिन जितना आदमी रईस हो जाएगा उतना उसके नखरे ज़्यादा होंगे। और लक्ष्मी जी के कोई नखरे बेचारी के, वो तो कमल पे अपनी खड़ी हुई और पूरी समय खड़ी रहती, कभी ये भी नहीं कहती कि मैं थक गई भाई थोड़ी देर को लेटी जाओ। पूरी समय वो कमल पे अपने शरीर को संभाले हुए, इतने बड़े शरीर को संभाले हुए खड़ी रहती है, बिल्कुल हल्की सी, किसी को महसूस ही नहीं होता है। ये अष्टलक्ष्मीपति की निशानी, जिस आदमी में वास्तविक लक्ष्मी है उसका कहीं भी बोझा नहीं लगता है। ऐसा आदमी जहाँ भी रहता है उसका सुगंध, उसका सौरभ सब दूर फैलता है, लेकिन उसकी कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती। कहीं भी वो आपको ये नहीं जताता है कि आप पैसे वाले हैं या आप नहीं हैं, या उसके पास ज़्यादा पैसा है या आपके पास इस चीज़ की कमी है। वो तो इस तरह से रहता है कि किसी को पता ही नहीं चले कि कैसे आए और कैसे गए। वो इस तरह से जीवन बिताता है जैसे किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन अधिकतर पैसे वाले तो पहले डींग बजाते घूमेंगे कि साहब मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, कुछ नहीं तो अजीब तरह के हॉर्न लेकर के रस्म बजाते चलेंगे जिससे मुड़ मुड़ के देखे कि कौन गधा चला जा रहा है। हर चीज़ का शो होना चाहिए, हर चीज़ की आर्टिफिशियलिटी होनी चाहिए। एक एक तमाशा अदा कर देता है अपने नाम से क्योंकि वो पैसे वाला। ये लक्ष्मी जी की बात नहीं, लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसी तरीके से रहती, संभली हुई सदी हुई कि किसी को पता ही नहीं चलता। फिर एक हाथ से उनका दान होना चाहिए, वो दान भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि दान हो रहा है, जस्ट बह रहा है, तो जा रहा है, दे रहा है, लेने का सवाल नहीं। और दूसरे हाथ से आश्रय होना चाहिए, जो उनके आश्रित है वो सब आशीर्वादित होने चाहिए, नहीं बजाय इसके कि बहुत से माँ अपने नौकरों को मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, नहीं। आश्रित माने उनको पूरी तरह से, जो लक्ष्मी जी के आश्रित होते हैं उनको पूरी तरह से वरदहस्त, ये वरदहस्त होता है, पूरा वरदान देते रहते हैं। और उनके दोनों हाथ में कमल होते, कमल गुलाबी रंग के होते हैं और गुलाब रंग के कमल में ये द्योतक है कि वो प्रेम की निशानी। गुलाबी रंग जो है उनके प्यार और प्रीत की निशानी है। वो अपने बिल्कुल ही नाजुक पंखुड़ियों में भंवरे जैसा कांटे वाला प्राणी होता है उसे भी स्थान देती है, कहीं से भी चला आए उसे रहने के लिए इंतज़ाम रहता है, हर समय उसके लिए इंतज़ाम रहता है। ऐसा आज तक मैंने कोई पैसा वाला नहीं देखा कि उनके दरवाजे कोई भी चला तो कहे अच्छा भाई तुम्हें कोई जगह नहीं, आओ मेरे यहाँ सो जाओ। वो तो चार चार दरबान ला के रखेगा कि कोई अच्छा भी भला आदमी हो तो उसको पीछे निकाल के भगा दे। इस प्रकार हमारे अंदर जो लक्ष्मी जी का तत्व है वो हमारे नाभि चक्र में है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। जैसा वो है वैसा ही है, उस तत्व को हम बदल नहीं सकते। बाहर का सब कुछ आप बदल दीजिए लेकिन उसका तत्व जो है वो वही बना, तत्व ना बदल सकते हैं, ना ही उसको आप इसी तरह से कोई उपदेश दे सकते हैं और ना ही उससे कोई आप झगड़ा कर सकते। जो तत्व है वो तत्व ही बना है। अगर आपको तत्व पर रहना है और आपको अपने साथ ही ईमानदारी बितानी है तो आपको जानना चाहिए कि सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अब बहुत से लोग कहते हैं क्या हुआ माता जी हमारा पैसा ब्लैक का है तो क्या हुआ, हमने बड़ी बड़ी यहाँ पर इमारतें बनाई हैं गरीबों के लिए और हमने बहुत से मंदिर बना डाले। सो बात यह है कि गरीबों के लिए मंदिर बनाना ये परमात्मा का काम नहीं है, ये मनुष्य का काम है। क्या फायदा मंदिर बना बना करके भी क्या फायदा हो रहा है सो दिखाई दे रहा है आपको। वहां चार आदमी लगा दीजिए तो जो आएगा उससे जो नोच खसोट होगा वो लेगा और उसे खाएगा और कहेगा कि साहब मैं पूजा करा। मंदिरों में भी ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण माने जिसे ब्रह्म को जाना, जिसका दूसरा जन्म हो गया, जो पार हो गया वही ब्राह्मण होता है। आजकल कौन से मंदिर में ऐसा ब्राह्मण बैठा है, उल्टे सब मुझे तो राक्षस ही नजर आते हैं जहाँ जाती हुई, सारे राक्षस के नमूने दानव बिल्कुल। जहाँ जाइए वहाँ नोच खसोट पार पीट लालच हर तरह की गंदी और नीच अधम बातें करना, इसके सिवा और कोई काम नहीं आता।
ये किसी तरह से भी ब्राह्मण नहीं। असली ब्राह्मण ये होता है जो कि रियलाइज हो, उसी को ब्राह्मण कहना चाहिए, द्विजय हो, जिसका जन्म दूसरे बार हो। अब ब्राह्मणों के लिए चुनौती है, अगर वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों का उत्थान हो तो उन्हें जाकर के बताए कि देखो तुम ब्राह्मणों का नाम बदनाम करो, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। जो ब्राह्मण वही होता है वो जो परमात्मा के ब्रह्म तत्व को पा गया है, जिसके अंदर से ब्रह्म तत्व बह रहा है, वही स्वयं ब्राह्मण होता है। और नहीं तो इस तरह से सारी जाति का बड़ा भारी उपमर्द हो जाएगा और सारी जाति ही बदनाम हो जाएगी। अब इस तत्व को जानने के लिए कि लक्ष्मी तत्व में हम क्या गलतियां करती हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा। लक्ष्मी तत्व जो है इसके चारों तरफ धर्म का तत्व फैला हुआ है और युद्ध का तत्व 10 गुरुओं से हमें मिला हुआ है। धर्म माने ये कि अभी तक ऐसा कहेंगे कि जो मुख्य 10 गुरु हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मुख्य 10 गुरु हो गए हैं यही हुए और कोई हुआ नहीं। लेकिन हम मुख्य 10 गुरुओं को सहयोग में मानते हैं, जिनकी शुरुआत आप सोचें तो आदिनाथ से लेकर और उसके बाद सॉक्रेटिस और लाओत्से, जनक राजा, नानक, मोहम्मद साहब, ऐसे अनेक 10 लोग जो हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि हम मानते हैं कि अंशावतार हो चुके, जोरास्टर, ये लोग सबके सब एक ही गुरु तत्व के अवतरण, एक ही के। अब इसमें एक याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी तत्व में हम कैसी गड़बड़ी करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अपने देश में लक्ष्मी क्यों नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके देश में रामचंद्र जो वाइब्रेशन छोड़े, उन्होंने वाइब्रेशन छोड़े और आपके यहाँ लक्ष्मी तत्व क्यों नहीं। उसकी वजह आप, पहली वजह यह है, जहां भी आपने भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या और तांत्रिक विद्या, इसमें से कोई सी भी विद्या अगर आपने चलाई तो वहां से जो है लक्ष्मी जी चली जाएगी, एकदम लक्ष्मी जी चली जाएगी। आप अगर कोई सी भी विद्या चलाए, तंत्र विद्या चलाए, यानी कोई सी भी भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि, ये कोई सी भी विद्या अगर आप चलाएं तो आपकी जो लक्ष्मी की शक्ति वो खत्म हो जाए। जैसे आपसे बताया, हमारे एक साहब आते थे उनकी दुकान, और उनकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। तो मैंने कहा अच्छा आप अपनी पत्नी को लेके आइए। जब उनकी वो पत्नी को लेके आए तो देखा कि साहब उनकी ग्रह लक्ष्मी जी जो थी वो बिल्कुल भूतनी बनी हुई थी, के अंदर इतने गंदे विचार चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई तुम किसके पास जाती हो, कोई तांत्रिक के पास जाती? नहीं, कहले तांत्रिक तो नहीं लेकिन हमारे गुरु है वो। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु क्या करते हैं? और जब उन्होंने बताया कि वो हमसे क्या क्या करवाते, मैंने कहा बाबा रे बाबा, ये तो पक्का तांत्रिक और इसीलिए औरत फंस गई। फिर वो निकाले पीपर पर के उन पे जो चढ़ाए थे वो, उसके बाद उस आदमी की इतनी उन्नति हो गई, इतनी उन्नति हो गई कि उसको खुद आश्चर्य होगा कि जो लोग भी हमारे दुकान पे नहीं आते थे वो लोग आने लगे और लक्ष्मी जी इस तरह से आने लगे। अब अपने देश में देखिए कहाँ कहाँ गरीबी है, ज़्यादा केरला में बहुत ज़्यादा गरीबी। मैं केरला में गई थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि केरला में लोग सारे मुर्दे जो है घर के पास ही गाड़ते हैं, घर के साथ जहाँ मरते हैं वहीं गाड़ देते हैं, दूर जाने की ज़रूरत क्या है, वहीं गाड़ दिया, चलो काम खत्म। अब उनके प्रेत विद्या और स्मशान विद्या में और इस तरह के मुर्दा में भी अंतर नहीं। माने यह कि जो आदमी मर जाता है उसको ठीक से दफना देना चाहिए, या वैसे भी किसी भी आदमी को दफनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ अगर कोई साधु हो जाए, या साधु माने ये नहीं कि जो उपास करता है और इधर उधर कपड़े पहन के गिर हुए घूमता, वो नहीं, जो पार हो जाए, जो आदमी पार है, जो संत हो गया, जो पार हो गया, उसको जलाया नहीं जाता, अपने उसको कभी भी नहीं जलाया जाता, उसको समाधि कहते, उन्हीं की समाधि हो सकती है। या तो अरे गहरे सबकी जहाँ देखिए वही समाधियाँ खड़ी हुई। और जब कोई आदमी ऐसा मरता है जो पार नहीं है तो उसको बेहतर है कि जला ही देना चाहिए, जिससे उसके अंदर की सारी बाधाएं निकल जाती है और वो सब तरह से एक बार फिर से जन्म लेता है, उसकी पूरी स्वच्छता हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं आग की विशेषता ये है कि वो कंचन को भी माने सोने को भी एकदम खड़ा कर दी, इसलिए ऐसे आदमी को जला ही देना चाहिए। एक सीधा हिसाब है,
लेकिन लोग उसको घड़ी में गाड़ देते वहाँ। जब हम वहाँ देहात में गए तो मैंने कहा यहाँ कहाँ भूत के पास ले आए, सारी स्मशान नगरी तो बिल्कुल स्मशान है। वो कहा कि कैसे है? मैंने कहा यहाँ सारे तो मर्दे गड़े दिखाई दे रहे मुझे। उनसे पूछा कल हाँ यहाँ कम अज़ कम हर साल से यही चला। मैंने कहा क्या तुम लोग सब घर में ही गाड़ते हो? तो पता ये हुआ कि एक बार इन्होंने शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो भी शिष्य तत्व बहुत बड़ी चीज़ है, वो उनको मना किया था कि आप अपनी माँ को जला नहीं सकते, माँ को आप जला नहीं सकते। तो उन्होंने केले के पत्तों से, केले के पेड़ से अपनी माँ को जला दिया। और तब उन्होंने श्राप दिया था कि तुम लोगों को भी कोई चीज़ जलाने को नहीं मिलेगी और तुम लोग अपने घर में ही गाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो श्राप बड़ा महंगा गया क्योंकि ये लोग वाकई घर में गाड़ने लगे हैं उस श्राप की वजह से। और वहाँ पर इस कदर स्मशान भूमि है कि वहाँ गरीबी जाना मुश्किल ही। हालांकि वहाँ जा कर के काफ़ी हमने मेहनत करी इस बात को लेकर के और लोगों को समझाया कि भाई यहाँ मत गाड़ो, बाहर गाड़ा करो और यहाँ की गरीबी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर मनुष्य आलस्य के और मुड़ता है वहाँ गरीबी आ जाती। आलसी लोग माने सबसे ज़्यादा आलसी लोग इस देश में बंगाल में, उनसे आलसी आपको कहीं नहीं। मैं पहले सोचती कि लखनऊ के लोग सबसे आलसी। जब मेरा ससुराल लखनऊ में है मैंने देखा कि इनका सूरज ही 11 बजे उठता है तो इनका क्या होने वाला। मैं 4 बजे उठा ली, मैं महाराष्ट्र की हूँ, महाराष्ट्र में बेचारे पत्थर से खाना निकालते हैं, उनको सारा मेहनत पत्थर से करनी पड़ती है तो वहाँ तो 4 बजे उठ करके बेचारे मेहनत करते हैं। यूपी के लोगों को मैंने देखा कि बहुत ही आलसी लोग हैं, महा आलसी। लेकिन जब मैं बंगाल गई तो मैंने कहा इनका सानी कहीं नहीं मिलेगा। अब लंदन गई तो लंदन में मैं सोचती हूँ कि सबसे महा आलसी इंग्लिश लोग, ये तो बड़े ही आलसी होते हैं। अब हिंदी में बोल रहे हैं तो बताने में कोई हर्ज नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये लोग रात में ही मुंह धोकर सोते हैं। और वहाँ ऐसे लोग होते हैं, वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक एक साल नहाया नहीं। मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहा ही लेते हैं, ये उनसे भी बड़े, एक एक साल। और वहाँ पर सवेरे अगर आपने किसी को उठा दिया 9-10 बजे के करीब, अगर आपने किसी को उठा दिया तो आपसे बढ़ के पापी, दुष्ट, राक्षस कोई, यानी इससे बढ़ के वहाँ कोई पापी नहीं है कि आप किसी आदमी को सवेरे जगा दीजिए। और 10 बजे मतलब 12 बजे से पहले उठना उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है। पर आप नौकरी में करते क्या, तो जैसे बिस्तर में सोते हैं वैसे उठे, उन्होंने अपनी वो चढ़ाई जीन और दफ्तर, वहाँ जा के बाथरूम जाना वगैरह सब, वहाँ नहाने से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, और ब्रश भी करने की ज़रूरत है, रात में कर लिया काम खत्म। और हिंदुस्तानियों का उल्टा हाल है कि वहाँ पर भी रोज़ सवेरे नहाएंगे और उसी ठंड में निकल जाएंगे और उसके बाद उनको कैंसर हो जाएगा। और अगर उनसे कहा भाई रात में नहाया करो और सवेरे ब्रश कर लिया करो, माता जी आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ भाई मैं तो ऐसा ही कह रही हूँ और ऐसा ही करूँ। तो कहले आपका क्या? मैं तो कहीं बाहर थोड़ी जाती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, तो मुझे मेरी बात और है और मेरे कुछ थोड़ी होने वाला है। लेकिन तुम लोगों के लिए ठीक है कि जैसे यहाँ पर इतनी ठंडक है, या तो सवेरे उठ के 4 बजे नहा लिया करो और फिर ठंडे पानी से नहा लिया करो और उसके बाद तुम बाहर जाए। वैसे भी गर्म पानी से नहा कर बाहर जाना बहुत गलत चीज़ है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं, उसके बाद हमेशा ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। गर्म पानी से नहाने के बाद भी हमेशा ठंडे पानी से नहाते रहिए तो आपको जुकाम सर्दी कभी नहीं होती। अब एक ये छोटी सी बात है लेकिन वो भी उन लोग करना बड़ा मुश्किल है, इतने आलसी होते हैं और हमेशा थके रहते हैं। अब ये जनाबे लोग यहाँ पर आए हुए दिन भर पड़े रहेंगे, दिन भर सोते हैं और दिन भर खाते हैं, और अगर पूछे शाम को तो हम थक गए, क्या भाई किया क्या आपने, ये तो सो के थक जाते तो जागने से इनका क्या हाल होगा, भगवान जाने। लेकिन अपने देश में आलस्य भी बड़ी कमाल की चीज़, और आलस्य खोजने के तरीके, लेबर सेविंग डिवाइसेस जो है वो भी 2500 बंगालियों से जाके पूछे। बंगाली लोगों का ये हाल है कि अगर आपको 12 बजे तक कोई चीज़ खरीदनी है तो खरीद लीजिए,
12 बजे से 3 बजे तक सब दुकानें बंद और आप दुकान पर ताला लगा हुआ है और अंदर से खर्राटे सुनाई देंगे, और वो 5 बजे तक भी बहुत सी दुकानें नहीं खुलती, यानी 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई दुकान नहीं खुलती। वहाँ काफ़ी दुकानें ऐसी जो खुलती ही नहीं है, 12 बजे तक आप चाहे कुछ भी खरीद। और दूसरी बात यह है कि वो इतने आलस्य में लपटे हुए हैं कि वो इसलिए समझते ही नहीं है कि और भी कोई दुनिया है, क्योंकि जब आपके पास टाइम ही कम होगा तो आप दूसरों को क्या देखेंगे, आप लोगों को क्या समझेंगे, क्या दूसरों से क्या सीख सकते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि और भी कोई दुनिया है, उनके लिए बस हम ही हम सब कुछ हो गए। बंगाल जैसा महादेश जिसमें इतने महान काम हो गए, देवी जी ने साक्षात वहाँ कितने कार्य करे हुए, लेकिन आज तांत्रिकों के आहार में बिल्कुल तांत्रिक चारों तरफ से वहाँ छा गए, ऐसे छाए हुए हैं कि क्योंकि आलसी लोगों को और कोई धंधा नहीं, जाकर के अपने मुकद्दर पूछे भाई जब कुछ करने का नहीं तो आप हाथ दिखाएंगे कि बताओ क्या है। इस तरह से वहाँ तांत्रिक बहुत इकट्ठे हो गए, जो बताते रहते हैं कि तुम्हारे फलाना होएगा, तुम्हारा बाप मर जाएगा तो तुमको बहुत पैसा मिलने वाला है, और तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुमको बहुत रुपया मिलने वाला है, पर ऐसे लोगों के वहाँ से। और इस वजह से ऐसी जगह में कभी भी रुपया पैसा नहीं आ सकता, लक्ष्मी हमेशा जो है मेहनत कमाई जाती। लक्ष्मी जी संसार में आई थी तब आपको मालूम है कि सुर और असुर सब ने मिल करके मेहनत की, तब जा करके लक्ष्मी जी संसार में पधार ली। तो जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए अगर लक्ष्मी आ जाए तो वो बेकार जाते। जैसे कि कोई आदमी है बड़ा रईस है, उसने अपने सब बच्चों के लिए रुपया इकट्ठा कर, दान धर्म के नाम से तो एक पैसा देंगे नहीं, वहाँ नहीं, अपने बच्चों के लिए जवाहरात खरीदो, फलाना खरीदो, ये करो, जब बाप मर गए तो वो इसी पे लगे रहते हैं कि कम से कम पैसे में इनका दाह कम हो जाए, अच्छा ही है, और कहीं समुद्र में फेंक दो इनकी, ठीक है गए एक बार, फिर पैसा ले करके और हर तरह का ऐप, हर तरह की गंदगी उन्हें आ जाती, मुफ्त का पैसा, बगैर मेहनत के कोई भी चीज़ इंसान को जब मिलती है उसकी कदर नहीं रह जाती। और इसीलिए सहयोग की भी किसी को खास कदर नहीं रहती, खास कर हिंदुस्तान में, क्योंकि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बेचारों को वहाँ बाहर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनको कदर है। आप लोग चक से पा लेते हैं क्योंकि इस पुण्य भूमि में पैदा हुए हैं, आपकी माँ बहुत बहुत आप पर मेहरबान है, माने मैं नहीं, ये आपकी भारत भूमि, तो आप उसके सहारे और बहुत कुछ पा लेते हैं और उसके बाद उसकी आपको कदर नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। अपने यूपी के लोग क्यों इतने आलसी हो, उसकी वजह यह है कि यूपी में गंगा और जमुना ने इतना इतना वरदान दिया है कि वहाँ की ज़मीन जो है इतनी अच्छी ज़मीन है, इतनी सुपीक ज़मीन है कि उस ज़मीन में आप बीज डाल दीजिए निकल आएगा, और इस वजह से वहाँ के लोग ज़रूरत से ज़्यादा आलसी हो गए, क्योंकि मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ भी आप कहिए कि चलिए साहब ज़रा सा घूमाएगा, आमा यार बैठो अभी तो आए, सारा दिन उनका यही चलता रहेगा कि साहब आए लखनऊ, कहने लगे कि हमने कहा कि आपको पूना नहीं जाना, आपकी बहन वहाँ, कह ले जाना तो है भाभी पर बड़ा मुश्किल। मैंने कहा क्या मुश्किल साहब, भाई आपको टिकट निकलवा दूंगी, आप चाहिए तो आपको घूमे बिठवा दूंगी, और क्या चाहिए। कह लेकिन लाख में ठंड लगी तो अब उठाइए और खोलिए बिस्तर और रजाई निकालिए, तवालत नहीं तो क्या। वहाँ के एक एक आलसियों के वर्णन है, हालांकि हमने भी बहुत देखे, लेकिन वर्णन है कि एक बार वहाँ पूछा गया कि भाई तुमसे जो सबसे ज़्यादा आलसी हो एक कदम आ गया, बहुत से आलसियों को बिठाए तो सब लोग आगे आ गए एक पीछे रह गए। उन्होंने पूछा भाई आप क्यों नहीं आ गया, कि ये तवालत कौन करे कि आ गया है। और इस आलस्य के वजह से ही ये जो घर का जो राजकारण है ये शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा राजकारणी जो है ये यूपी वाले, इनसे बढ़ के और कोई राजकारणी नहीं। आप देख लीजिए मैं जो बात कह रही हूँ सच है या नहीं, आप किसी भी यूपी वालों से जब बात करिए तो समझ लीजिए इसमें राजकारण जरूर चलेगा। हाँ सहयोगी है दूसरी बात, अब वो राजकारण ऐसे चलेगा इधर से उधर बात कह दी और आप बैठे रह गए, आए उन्होंने हमारे ये कहा, कहले हाँ भाई हमसे तो यही कह रहे थे, और जाके आपका उनसे दुश्मनी हो गई, हो गया झगड़ा और ग्रुपबाजी हो गई। उसकी वजह यह टाइम बहुत है, आपको कोई मेहनत करने की नहीं, मुफ्त में आपकी माँ दे रही है, आप खा रहे हैं पी रहे, जिसके पास बहुत टाइम होता वो ये करता,
और इसके मामले में इतने यूपी वाले सतर्क हैं और उनको इतनी इस मामले में घमंड है कि आपको आश्चर्य होगा, उनको अपने गरीबी का तो ख्याल ही नहीं। हमारे एक सर्वेंट साहब यूपी के थे, बड़े गंदे थे और बर्तन गंदगी से मानक मद्रास के साहब आए, तो मैंने कहा देखो तुम इतने गंदे हो, अब सब मद्रासी लोग यहाँ नौकर हो जाएंगे और तुम लोग सब नौकरी से निकल जाओगे, तुमको मेहनत करनी चाहिए। तो कहले कि देखिए हम तो मेहनत क्या करेंगे, इन्हीं को नौकर बनाइए, अब तो हम राज करने वाले। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, सभी लोग ये राज कर रहे, ये जो दिमागी जमा खर्च है ये बहुत ज़्यादा वहाँ हो जाता है जहाँ हर चीज़ आसानी से मिल जाए और जहाँ मेहनत करनी पड़ती। पंजाब ही अच्छी भूमि है लेकिन वहाँ हर समय बाहर से आफत बनी रही, हर समय पंजाब में बाहर लोग छाते रहे, इसलिए लोग मेहनत। जो मनुष्य मेहनत नहीं करेगा वहाँ अगर लक्ष्मी जी रह जा तो जो कहिए। ऐसे ऐसे हमने खानदान देखे हैं कि जिनके यहाँ अशर्फियाँ भरी पड़ी रहती थी और लोग जैसे पेट्रोल गिनते हैं उस तरह से एक लकड़ी से गिना करते थे कि कितने इंच अब बचा हुआ है, और आज ये हालत है कि आप पूरा टटोल लीजिए तो सिवाय धूल के वहाँ कुछ। बड़े खानदान इस तरह से मिट गए, आलसी पना। सहयोग के लिए आलस जो है उसका दुश्मन है, कोई भी सहयोगी के लिए आलस। आई एम सेइंग दैट फॉर सहज इज लेजीनेस इज द वर्स्ट एनिमी, इसलिए कहा कि ये भी समझ लें। और जब आप आलस में पड़ेंगे तो आपकी नाभि पकड़े। अब मैंने आपसे बताया है कि नाभि चक्र को ठीक करने के लिए मनुष्य में चुस्ती होनी चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए और सवेरे जो कुछ भी सहयोग में कार्य करना है उसे करके और उसके बाद अपने कार्य में भी तत्पर रहना चाहिए। सहयोग इतनी बातें सिखाता है, इतनी बातें सिखाता है कि आपको आश्चर्य होगा। हमारे लंदन में ऐसे लोग थे कि जिनको सवेरे उठना मुश्किल था, अब बराबर 4 बजे उठ के नल पे ना करके और ध्यान में बैठे, उनको खुद आश्चर्य है। तो मैंने पूछा कि कैसे बात करें, माँ आप सवेरे हमको 4 बजे जगा देती हैं, सब काम आप जगा देती और हम जग जाते। जब तक अपने देश में ये चुस्ती नहीं आएगी, हमारा देश गरीबी से चिल्लाने चीखने से और भीख मांगने से कभी नहीं जाएगा। भीख मांगना तो सबसे बुरी चीज़, मैं कहती हूँ इससे अच्छा है कि देश भूखा नंगा मर जाए, पर दूसरों के आगे हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है आप लोग। इससे मैं कहती हूँ मलिन और गलित चीज़ कोई नहीं, इससे अच्छा है कि हम लोग मर जाएं, वही ठीक है, बजाय इसके कि आप जा करके दूसरों देशों से भीख मांगें। आपके देश में किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी भी चीज़ की आपके देश में कमी नहीं। आप देखिए तो दूसरे देशों में जाने पर मुझे तो लगता है इनके पास सिवाय प्लास्टिक के और है क्या। ज़रा से एक साहब आए कह ले साहब हमारे घर पे चलिया, बहुत ज़रूरी, हमारे पास एक इंडियन ऑथेंटिक चीज़ रखी है का पता नहीं क्या बला है। अब गए 50 मील हमें ड्राइव करके ले और दिखाया क्या कि वो अपने मुरादाबादी सुराही उनके घर में रखी है। हमारे लड़के ने कहा मम्मी क्या आए, इन्होंने तो मार डाला बा बोल। कहे क्या करें क्या करें, नहीं मैंने कहा बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ये मुरादाबाद की सुराही लेके चले आए। कहले ऑथेंटिक है बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा कैसे ऑथेंटिक। कहले ये तो इतने साल पुरानी है, मुझे उनकी बात याद आ गई। अपने प्रेमचंद जी ने बड़ी अच्छी कहानी लिखा थी अकबरी लोटा पर, वही मुझे नज़र आई कि ये आदमी 50 मील हमें दौड़ा के ले गया दिखाने के लिए मुरादाबाद की सुराही, क्योंकि इनके यहाँ पीतल जो है सोने के भाव बिकता, इनके यहाँ कॉटन का कपड़ा अगर कोई पहन ले तो राजा हो जाए। किसी ने कॉटन हैंडमेड, अरे बाप रे बाप, ये क्या। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि बाजार की खरीदी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी रेडीमेड महंगा मिलता है, उनको विश्वास नहीं होता। अपने यहाँ अगर कॉटन का कपड़ा हम कहते हैं हमें कॉटन इतना मिलता है, तो कहले अच्छा क्या इतना कॉटन मिलता है, तो आप बहुत रही से। हमने कहा तो हम तो हैं ही, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं इसलिए हम गरीब हैं। कहले बेवकूफ़ है वहाँ के लोग, बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ है। अरे जिसके पास सब चीज़ें मौजूद है और वो ऐसी फालतू की चीज़ों के लिए दौड़े उसे क्या कहना चाहिए। जैसे हम जर्मनी गए थे तो वहाँ हमसे सब ने कहा कि भाई जर्मनी बड़ा अच्छा स्टेनलेस स्टील मिलता है, एक एक पीस जरूर लाना। बहुत साल पहले की बात बता रहे, कोई 65। तो हमने कहा जो हमारे साथ देवी जी थी कि भाई हमें कुछ स्टेनलेस स्टील खरीदना। उसने कहा क्या कहा आपने स्टेनलेस स्टील। मैंने कहा कहिए ऐसे तो आप आलिशान लगते हैं, स्टेनलेस स्टील क्यों खरीद रहे। और कभी हमारे रिश्तेदारों को बड़ा शौक है स्टेनलेस स्टील। कहले मैंने सुना कि आपके तो लोग पीतल में खाते हैं। मैंने कहा बाकायदा पीतल में खाते हैं। तो कहले भैया गंदा वाला स्टेनलेस स्टील किसके लिए ले जा रही हैं आप।
हमारे यहाँ तो भिखारी लोग खाते हैं स्टेनलेस स्टील में। अपने यहाँ अगर कोई रईस हो गया तो स्टेनलेस स्टील में बड़ी शान से रहेगा, जैसे कि पता नहीं क्या चीज रख दी। हम लोगों के मूल्य इतने खराब हो चुके हैं कि बेकार में ही हम गरीब हैं। अरे गरीबी है कहाँ, ये मेरी बनिया। आप हिंदुस्तान में आइए साहब, खाना खिला खिला करके आपको बीमार कर दें, दो दिन के अंदर ना आपको बीमार कर दें तो जो कहिए खाइए। मैं तो परेशान हूँ, मैं कहती भाई मैं माता जी हूँ, इनके जैसा मैं भी उपास शुरू करती हूँ। लेकिन मैं सबसे कहती हूँ उपास नहीं करो तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी, नहीं तो वाकई मैं अगर किसी को उपास करना चाहिए तो वो मुझे, क्योंकि तो मेरी सब लोग जान लिए रहते ये खाओ वो खाओ मुंह में मार, जैसे वो नया दूल्हा आता है उसके मुंह में भरा जाता है, ऐसे मेरा हाल कौन कहेगा। इस घर में गरीबी है, अभी ये जो फॉरेनर है ये कहते भैया सवेरे इतना खाते हैं, दिन में इतना खाते हैं, शाम को इतना खाते हैं, यहाँ तो हमें नहीं दिखाई देता कहीं गरीबी। ऐसी कौन सी आफत आई, आप पीतल के थाल में खाए। इन लोग कहते हैं कि ये अभी हम ले गए इनको दिखाने, तो कह ले भाई देखो घर जो है आप जो भी आश्रम बनाना उसमें सीमेंट मत लगाना, इनके लिए सीमेंट जो है कचरा है, कचरे से भी बदतर, जो आदमी बिल्कुल लेबर क्लास होगा वो सीमेंट में रहता है। लकड़ी का घर आलीशान चीज है, और उससे भी अच्छा है कि घर कोई थैच टूफ जिसे कहते हैं ना, जिसे कहना चाहिए अपने यहाँ पुआल से जो छाया जाता है वो सबसे अच्छा है। उसको देखते रह जाएंगे अब वहाँ कहा हा, कितना सुंदर बनाया, हाथ से बनाया हुआ है। हमारे मूल्य बदल चुके, अगर हमारे मूल्य ठीक हो तो हम जान लें कि हम कितने अमीर हो और हम कितना भगवान ने हमें दिया हुआ है। भगवान की कृपा से अपने यहाँ 10 ग्लास एक चीज़ के पीने के लिए नहीं लगते। किसी के यहाँ भी कोई चीज़ में आपने देखा है कि घर में 10 तरह ग्लास है, इनके यहाँ तो विस्की पीने को अलग, ब्रांडी पीने को अलग, पानी पीने को अलग, जहर पीने को अलग, सब चीज़ को अलग ग्लास लगे। और अपने यहाँ एक ग्लास रहता लेकिन साफ सुथरा अच्छा बढ़िया बना हुआ पीतल का असल वाला, ये क्या फ़ायदा कांच के ग्लास और कांच की सारी सभ्यता इनकी, इनके अंदर है क्या जो आप लोग उनसे सीखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं, लेकिन हम लोग अब इनके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं हम आपस करें। आपस में बांट खाना नहीं आता है, आपस में लक्ष्मी का जो सत्य स्वरूप है कि सबको देना, लक्ष्मीपति है वो जब देना शुरू कर देंगे तभी उनके पास और आएगा। लक्ष्मीपति के तीसरे जनरेशन में अगर वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाल बच्चों को सब कोसते हैं और चाहते हैं कि ये सब तरह से ख़त्म हो जाए, उनके यहाँ लिटिगेशन होता है और युद्ध होता है और उसके बाद में जो कुछ भी कायदा कानून में सब वकील पैसा खा जाते हैं, वो कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। या जो बाजारू औरतें ऐसे घरों को लूट लेती वो क्या लक्ष्मीपति होंगे? लक्ष्मीपति होता है कि उसकी लक्ष्मी को ना ले कि कोई हाथ लगा, उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए कि मजा ले वो चीज़ कोई चोरी कर ले, चोरी कर ले तो उसकी हालत खराब जाएगी, वो लक्ष्मीपति। और वो लक्ष्मी तत्व इस देश में सबसे ज्यादा, लेकिन हम लोग उसको भूल चुके हैं। हम लोग तो अब क्या हो गए हैं मेरी खुद समझ में नहीं, खुद अजनबी हो गई हूँ इस देश में आकर, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब परमात्मा का दिया सब कुछ है उसमें संतोष करना एक छोटी सी चीज़ हमारे अंदर में। पंजाबी भाषा में हमेशा खैर खैर करते हैं ना, वो पता नहीं शायद अब वो शब्द चला गया हो, लेकिन पहले खैर जो भी है खैरियत से, साफ खैरियत से। इसे पूछा कैसे खैरियत से, कोई मुँह लटका के ये तो नहीं कहता कि मर गया हूँ। जब आप खैरियत से हैं अब इसका मतलब ये है कि दिल से कहिए कि मैं वाकई खैरियत हूँ, समाधान। और समाधान जब तक हमें नहीं आएगा तब तक लक्ष्मी जी बरसेंगी नहीं, तब तक लक्ष्मी जी आप पर कोई भी तरह का आशीर्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही समाधान। अगर आप में समाधान नहीं हो तो कितनी भी आपके ऊपर पैसों की बर्छा हो आप किसी काम के बिल्कुल बेकार हो। तो और बहुत जरूरत है जिससे कि लक्ष्मी जी भागती हुई कंजूसी, हिंदुस्तानी जरा कम होते हैं कंजूस, ये लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, बड़े ही कंजूस होते हैं, जितने पर्दे होते हैं इतने पैसे को चिपकते हैं, जितना पैसा ज़्यादा आ जाएगा उतना आदमी कंजूस हो जाता है। तो कंजूसी से बच के रहना चाहिए। लक्ष्मी जी के तत्व में देना, दान दान दान, जो आदमी दान करता है वो आदमी लक्ष्मीपति है, और उसके अंदर लक्ष्मी हमेशा विराजती हैं और खुश रहती है, क्योंकि उनका स्वभाव है। आज इसलिए लक्ष्मी जी के बारे में कहा क्योंकि आज रैली को देख के मुझे कुछ लगा कि भाई देश के लोगों को कुछ बताना चाहिए, भाई क्या कर रहे हैं,
ये सब करने से लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी सहजयोग में पार होने से, अपने लक्ष्मीत्व को जगा लेने से, जिससे सारी तरह की भूत बाधाएं संसार से चल। अब जो उसके ऊपर का चक्र जिसके बारे में मैंने कहा आपसे, सुरक्षा का चक्र जो है, जहाँ पर देवी साक्षात विराजती हैं और जो हमारे लिए शक्ति स्वरूप है। हिंदू धर्म में शक्ति ही की पुजारी है, हिंदू धर्म शक्ति का पुजारी। लेकिन हम तो नहीं देखते कि हिंदू लोग शक्ति पूछते हैं, ये तो सिर्फ पैसे ही को पूछते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि शक्ति को हिंदू लोग पूछते हैं। ऐसे पूछते होंगे जो लोग पूछते भी हैं मन में, तो वो पैसा ही चाहते हैं। यहाँ तक कि शक्ति के पास जाकर भी कहते हैं कि माँ हमें पैसा दो, शक्ति से भी जाकर यही मांगते हैं कि हमें पैसा दो। उसे तो मांगना चाहिए कि हमें समर्थ बनाओ, सम अर्थ बनाओ, जो हम हैं उसी अर्थ के हमें बना दीजिए, मैं हमें आत्मा स्वर बनाएंगे। ये अगर हम अपनी माँ से मांगे तो फिर दुनिया की कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। आप अशक्त हैं, इसीलिए आप और चीजों के लिए दौड़ते हैं। जो आदमी समर्थ होता है उसको ठोकरों पे रखता है, वो बादशाह होता है, वो कोई चीज की परवाह नहीं। और इसलिए हमको चाहिए कि सहयोग में हम जागें और खड़े हो जाएं और ऐसे विशेष लोग बने जो दुनिया में एक ही तरह के हों, जिनमें ये सब फालतू की खुराफाते कि साहब किसी का पैसा मार लिया, किसी का घर नोच लिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, इस तरह की जो दानव सेना तैयार हो रही है इस देश में, इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि सहयोग में आप लोग जागिए। फिर ऐसे लोग तैयार होंगे, ऐसे लोग तैयार होंगे कि दुनिया की कोई भी दानवी शक्ति उसको हटा दे और उसको नष्ट नहीं कर सके। यही हमारे देश का एक ही बचने का मार्ग है, और तो मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं। परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन होने के लिए कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा तब तक आप में परिवर्तन नहीं होगा। आप जो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, वो आज सबका जरूरत से ज्यादा पकड़ा है, क्योंकि सब दूर बहुत धूल हो गई। और ये श्री चक्र पे श्री कृष्ण विराज, ये श्री कृष्ण का ये पूर्णावतार, इसलिए पूर्णावतार है कि इनके लिए संसार एक लीला, सब एक मजाक है। वो उस दशा में है जहाँ उनको कुछ भी बनावट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, वो तो सब खेल कर रहे हैं। जब सहयोग में मनुष्य इस चक्र से ऊपर उठता है, उसमें भी ये शक्ति आ जाती है कि वो साक्षी होना शुरू हो जाता है। वो फिर ऐसी वैसी चीजें में उलझता ही, एक आनंद उसके अंदर हमें टपकते रहता है, और वो देखता है कि संसार का एक ड्रामा सा चल रहा है, ये तो सब मजाक चल रहा है और ये सब मिथ्या है, इस मिथ्या के पीछे लोग क्यों चल रहे हैं। ये चक्र हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है। अब पहले मैं लोगों से कहती थी कि सिगरेट मत पिया करो, अब जब कैंसर की बीमारी आ गई तो लोग कह रहे कि हाँ भाई माँ तो कह रही थी कि सिगरेट पियो, अब सब लोग कह रहे हैं कि इससे डेफिनेटली कैंसर होता है। कैंसर भी क्या है, कैंसर भी सुषुम्ना से हटना ही कैंसर। आप सुषुम्ना पथ पर अगर रहे तो आपको किसी भी बीमारी हो सकती है, विशेषकर कैंसर नहीं, पर अगर आप सुषुम्ना पथ से हट करके लेफ्ट को या राइट को किसी भी अतिशयता में चले जाए तो आपको कैंसर होता है। इसलिए बीचों बीच रहना है। सहयोग में आने के बाद हजारों लोगों ने सिगरेट पीना एकदम से छोड़, उसी तरह से उनका गुरु तत्व ठीक हो गया, उन्होंने शराब वगैरह एकदम छोड़। अब जो विशुद्धि चक्र है उसकी विशेषता यह है कि विशुद्धि चक्र जब हमने गर्दन उठाई और जब हम मनुष्य बन गए, तभी विशुद्धि चक्र पूरी तरह से प्रादुर्भावित हुआ है। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सब प्लेक्सस हैं। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुखड़ा सुंदर होगा। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था, और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सब प्लेक्सस हैं। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुखड़ा सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, उसकी आंखें तेजस्वी होंगी, उसके नाक नक्श तेजस्वी होंगे,
और उसके अंदर एक तरह का बहुत ही ज्यादा डिटैच सा भाव हो जाए, जैसे कि ड्रामा देख, उस आदमी के मुख पे लगेगा कि एक ड्रामा चल रहा है, एक पल में वो नाराज होगा, दूसरे पल में हंसता रहेगा, बस उसकी अटखेलियां चलती रहेगी। जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल खराब जाती है, पहली बार अजीब सा विद्रूप सी शक्ल हो जाती है, उसके शक्ल में अजीब से भयानक सा उसका शक्ल दिखाई देने लगता है, कभी डरावना था कभी डरा हुआ था। अब हम लोग इससे क्या क्या करते हैं ना लोग, उसके लिए धंधे कोई करने की जरूरत नहीं, आप अपना विशुद्धि चक्र ठीक कर लीजिए, आपकी शक्ल दुरुस्त हो जाएगी, बहुत शक्ल दुरुस्त हो जाएगी। और इसके अलावा इसकी विशुद्धि चक्र की पकड़ हो जाती है, उस आदमी का आवाज बहुत कर्कश या बिल्कुल धीमा या उसकी मधुरता वो खो जाएगा। तीसरी चीज यह है कि हमारे अंदर विशुद्धि चक्र की जो लेफ्ट साइड है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट साइड में विराजती है वो विष्णु माया है, माने श्री कृष्ण की बहन जो विष्णु माया थी। अब जब हमारे भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं किसी भी माने में, तो ये चक्र खराब हो जाता है। जब भाई बहनों की कदर नहीं करता, अपनी बहनों को सताता है, तब भी ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन जब संसार में हम हर औरत की ओर गंदी नजर से देखते हैं और हमारे अंदर ये विचार नहीं रह जाता कि हमारी बहन है, तब ये चक्र बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाता है। और जब लेफ्ट विशुद्धि खराब हो जाती है तब आदमी को लगता है कि मैंने बड़ी गलती करी, अंदर से उसको लगते रहता है, वो एक तरह से गिल्टी आदमी हो जाता है, और कभी कभी ये गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके हाथ से अनेक पाप होने लग जाते हैं, गिल्ट कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ जाता है। इसलिए सहयोग में इसका मंत्र है, अंग्रेजी तो कहते हैं आई एम नॉट गिल्टी, और हिंदी में कहते हैं कि माँ हमने कोई गलती नहीं करी जो तुम साफ नहीं करो। राइट साइड की जो विशुद्धि है ये विट्ठल रपाई माने जबकि कृष्ण राज्य कर रहे थे तब की। जब हम अपने राज्य में विराजते हैं, माने हमारा राज्य परमात्मा का राज्य हुआ, और जब परमात्मा के राज्य में हम विराजे हुए और तब भी हम भिखारी जैसे बकबक करते हैं और लोगों से रुपया मांगते हैं और पैसा मांगते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं और उनके सामने अपनी ये पेशानी झुकाते हैं, तब राइट विशुद्धि पकड़ जाती। जो आदमी अपनी पेशानी अपनी किसी गरज के लिए दूसरों के सामने झुकाता है या किसी भी नीच आदमी के सामने इसलिए झुकाता है कि उसी को वो गुरु और कुछ मिलता है, उसकी राइट विशुद्धि पकड़ जाती। और राइट विशुद्धि पकड़ने के नाते बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, विशेष करके कैंसर की बीमारी इसमें हो सकती है। इसलिए जो लोग चापलूसी में आकर के इसके पैर छूरे उसके पैर छूरे उसके ये करते हैं, जान लें कि आखिर आपको परमात्मा के सिवा और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना, और किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत भी क्या है और दे भी क्या सकता है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि वो संत साल से उनके हमें झुका है, अधिकतर तो ढोंगी और भोंदू ही लोग हैं, नहीं तो 420 या दानव या राक्षसी है। अच्छा अगर ये नहीं हुए, समझ लीजिए एक साधु संत है वो भी पार है, समझ लीजिए तो भी है तो इंसान, भगवान तो नहीं, अवतार तो नहीं है। जब तक कोई अवतार नहीं हो तो उसके सर झुकाने की क्या जरूरत है, तुम भी कल हो सकते हो पार और तुम भी कल संत हो सकते हो, लेकिन जो अवतार है उसके सामने सर झुकाना दूसरी बात है, तब सारे चक्र खुलते हैं। सिर्फ अवतार के सामने ही सर झुकाना चाहिए वो दूसरी बात है कि अपने माँ बाप है उनके सामने सर झुकाओ, वो एक रोजमर्रा के एक व्यवहार है, उसकी बात दूसरी, माँ बाप के झुका लिए, शादी में गए तो सबके पैर छू लिए, बड़ों के पैर छू लिए, ये बात दूसरी, एक बार वो कर लिया हो गया वो तो सम्मत। लेकिन हर बार जिसको देखिए कोई चले आ रहे हैं महाशय जी वो उधर से और कहा कि साहब ये तो मिनिस्टर साहब के यहाँ बिल्कुल उनके चमचे हैं, चले ये चार चमचे उनके पीछे और बैठने के। इस तरह की जिन लोगों की दुर्दशा होती है वो इस कदर दुख में पड़ जाते हैं और इतनी तकलीफें उठाते हैं कि मैं तो उन लोगों को ठीक करते करते तंगा, क्योंकि मनुष्य को अपनी इज्जत और अपनी शान के साथ ये चक्र जो है आपको शांति की आपने सर ऊपर उठाया, ये नहीं कि इसको हर जगह आप झुकाते फिरिए और अपने को नीचे गिरा फिरिए। आप बहुत बड़ी चीज है, भगवान ने आपको एक अमीबा से इंसान बनाया और जब आप इस हालत पे आ गए तो आपको जरूरी है कि आप इसकी इज्जत करें, अपनी इज्जत करें और अपनी जो शान है उसको समझें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को यह भी है कि दूसरों से डरते रहते हैं,
ये भी जो चक्र है इससे भी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकते। जब आप किसी आदमी से डर जाए, वास्तविक में आप बेकार में डरें, तब आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकती है। ये शुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और शुद्धि चक्र के पकड़ने से अनेक तरह की बीमारियां आती हैं। पर सबसे खराब बात यह होती है कि आप पार भी हो जाते हैं तो भी आपको वाइब्रेशंस नहीं आते, आपको महसूस नहीं होता। आपकी जितनी नर्व्स हैं, हाथ की मर जाती तो हाथ पे महसूस नहीं रहा, और लोग कहते हैं कि माँ हमको अंदर तो महसूस हो रहा है पर हाथ में नहीं महसूस होता, और इसलिए उनको परेशानी होता। सबसे जो बड़ी खाबी विशुद्धि यह है, अगर आपने गलत मंत्र कहे हैं, आपने अगर किसी भी ऐसे आदमी से मंत्र लिए हैं जो अनधिकार है, जिसने आपको झूठे मंत्र दिए हैं, इन सब से आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ती है। और इस लेफ्ट की शुद्धि का इलाज यही है कि उस मंत्र का जो है जागृत करा लें। अगर कोई मंत्र जागृत नहीं है तो उसको इतना ही नहीं, और मंत्र जागृत तभी होता है जब कोई रियलाइज होला आपको मंत्र बताए, और वो भी निदान करके बताए कि आपकी कहाँ तकलीफ है, कौन सी तकलीफ है, किस जगह में कौन सा मंत्र कहना है। अगर वो बराबर से आपको बता सके तो आप उस मंत्र को कहें तो आपको मंत्र सिद्धि हो सकती। सहयोग में आज ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने मंत्र को सिद्ध कर, इतने मंत्र सिद्ध है उनके कि वो अगर अपनी जगह में भी बैठकर वो मंत्र कह दे तो उससे जो उनको काम करना है कर सकते। मैंने बुरे काम तो सहयोग में कर ही नहीं सकता लेकिन अच्छे मंत्र कर सकते। ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए सहयोग में, दिल्ली में नहीं है इतना, दिल्ली में कुछ लोग बहुत पहुंचे लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं, पर बाकी ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्रों को एकदम सिद्ध कर लिया, और उस सिद्धता के लिए मंत्र पे मेहनत करनी पड़ती है, बैठ करके मंत्र करना पड़ते हैं, उस पर बोलना पड़ता है, अपने चक्रों पे ध्यान करना पड़ता है और उसकी सिद्धता हासिल करनी थी। अगर किसी ने गणेश का मंत्र सिद्ध कर लिया है तो वो आदमी इतने कमाल कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अभी तक सहयोग में ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं कि जो इस ओर ध्यान देते हैं, और जिन्होंने भी ध्यान दिया, ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्र को इतने जल्दी सिद्ध कर लिया कि मुझे आश्चर्य होता है उनके एक ही मंत्र से कितना बड़ा कार्य होता था। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने विशुद्धि चक्र को आप स्वच्छ रखें। विशुद्धि चक्र जो है ये विराट, कृष्ण विराट स्वरूप, अंत में कृष्ण विराट हो जाते। सारा जो एवोल्यूशन है ये सिर्फ विष्णु शक्ति से होता है, तो विष्णु बनते बनते आखिर विराट हो जाते हैं, और विराट का स्थान ये है, ये विराट का स्थान है। इसलिए विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए ये पेशानी आप किसी के सामने मत झुकाइएगा, ये विराट के सामने ही झुकनी चाहिए, क्योंकि आप विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, अब आप पार हो गए हैं, और खबरदार अगर आपने आपकी ये पेशानी किसी के सामने झुकाई है, ये अगर आपने किसी के सामने झुकाई है तो आप विराट को भूल गए। मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ा मंत्र विराट का कहा है, अल्लाह अकबर, और ये मंत्र जो मोहम्मद साहब ने, वो साक्षात दत्तात्रेय थे और उन्होंने ये मंत्र कहा है, आप अल्लाह को अकबर कहो, अकबर माने ग्रेट माने विराट। ये उंगली विशुद्धि की है, दोनों उंगली कान में डाल करके आप अगर पीछे की तरफ गर्दन करके और अल्लाह हो अकबर कहें तो आपका विशुद्धि चक्र खुल जाता है। इसके अलावा और बहुत से आसन अधिक है, इसके मामले में मैं आपसे बता नहीं सकती आज, लेकिन अनेक तरीके ये ठीक हो सकता है और इसको ठीक रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जबान से कोई सी भी कड़वी बात किसी से कहनी नहीं, और किसी से भी चापलूसी करनी नहीं। अगर कोई सहयोग को नहीं मानता तो साफ कह देना चाहिए कि रहने दीजिए, आपके बस का नहीं, छोड़िए। ना किसी की चापलूसी करने की जरूरत है और ना ही किसी के सामने घिघियाने की जरूरत है और ना ही किसी से कठिन बात करने की जरूरत है। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, बस काम बीचों बीच रहना। विशुद्धि चक्र के अनेक दोष हैं, उसके अनेक तरीके हैं, क्योंकि 16 है इसकी तो कलाएं हैं और 16,000 इसकी शक्ति है जो कृष्ण के साथ उनकी पत्नियां बनकर उनके समय में रहेगी। ये कोई कृष्ण के ऊपर अगर कोई कहे कि वो इस तरह के आदि थे तो बड़ा आश्चर्य होता कि जो योगेश्वरों के योगेश्वर, उनके प्रति उनको समझने के लिए आपको बहुत कुछ अभी सीखना पड़ेगा। वो स्वयं साक्षात योगेश्वर थे, ये उनकी 16,000 शक्तियाँ थी जिनको उन्होंने जन्म दिया था इस संसार में, और फिर उनको ही उन्होंने कैद करवाया और उनसे फिर उन्होंने विवाह किया, क्योंकि उनके पास सहयोगी तो थे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं अपनी शक्तियों को ही साकार स्वरूप में संसार में देता हूँ। और उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया है कि उन्होंने सहयोग की कृषि करी, उन्होंने इसे पूरी तरह से बीज को फैलाया,
और ईसा मसीह ने बाद में आज्ञा चक्र में आकर कहा कि कुछ बीज इधर पड़ गए, कुछ बीज उधर पड़ गए, कोई बीज उधर पड़। जब ईसा मसीह अपने बाप की बात करते हैं तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो कृष्ण ही, कृष्ण ही उनके पिता। जब भी ईसा मसीह की उंगलियां देखे तो ये दो उंगलियां, ये उंगली विष्णु की है और ये कृष्ण की उंगली है। हमेशा उन्होंने अपने बाप की बात की। इसके लिए आप अगर पढ़ते हो तो देवी भागवत पढ़ें, जिसमें महाविष्णु का वर्णन है जो राधा जी का पुत्र बनाया हुआ था, और बिल्कुल वही चीज ईसा मसीह, उनके दो हिस्से थे, एक हिस्सा श्री गणेश और एक ईसा मसीह। आगे चल करके एकादश रुद्र में यही जो बड़ी भारी शक्ति है, ये ओम की शक्ति है, इसीलिए वो मरे नहीं, उनका रिजरेक्शन हो गया। ये साक्षात प्रणव था जो कि संसार में आया और इस संसार से उठ के चला। यह साक्षात गणेश था जो इस संसार में आया और इसीलिए उसको कोई चीज मार नहीं सकी। ये एक ही अवतार ऐसा परमात्मा ने भेजा था कि जो साक्षात सिर्फ प्रणव मात्र था। इनका क्रूस पे चढ़ाना जो है वो इसलिए हुआ था कि आज्ञा चक्र को उन्हें खोलना पड़ा। आज्ञा चक्र को जब मनुष्य ने अपनी बेवकूफी से उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया तो मानो जैसे कि उन्होंने सबके लिए अपने को उस आज्ञा चक्र से निकाली, और उनका जो संदेश है वो क्रॉस नहीं है, उनका संदेश जो है उनका पुनरुत्थान। उन्होंने उसमें से पुनरुत्थान करके दिखाया, उन्होंने मर करके जी कर दिखाया, और वही सहयोग है कि जिसमें आप भी, सभी कंसेप्शन जो है इमैक्युलेट है, यानी आप भी जो माँ के हृदय गर्भ में आप आते हैं और वहां से माँ आपको ब्रह्मरंध्र से पैदा करती है, आप पहले हैं वो मर जाते हैं और एक नए हो जाते हैं। ईसा मसीह सबसे पहले इन्होंने ये करके दिखाया, वो सबसे बड़ा बेटा माँ का था और वो आपका सबसे बड़ा भाई था, इसने ये सबसे पहले इतना बड़ा काम करके दिखाया और आज उसी बूते पर आप लोग भी कर रहे हैं। जो भी इंकारनेशन आते हैं वो अगुवाई करते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जो होता है वो अगुवाई करते हैं, और उन्होंने ये बड़ा भारी महान कार्य करा। और आज्ञा चक्र पे जो आदमी पार हो गया है वो जानता है कि हमारा मंत्र पे सहयोग में लॉर्ड प्रेयर है, लॉर्ड प्रेयर पे आज्ञा चक्र एकदम छूट जाता है, क्योंकि उसने कहा है जैसे हम अपने अपराधों की क्षमा करते हैं, अपराध जिन्होंने हमारे खिलाफ किए उनकी क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु तुम हमारे अपराधों की क्षमा करो। यही मंत्र आज्ञा चक्र का है, आपको आश्चर्य हुआ, और बहुत बार मैं आपसे कहती कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि आपका आज्ञा पकड़ा है। अहंकार और प्रति अहंकार दोनों के बीच इनका स्थान है, जहां पर पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी इन दोनों को संभालती है, उसके बीचों बीच एक बड़ा सूक्ष्म स्थान आज्ञा का है, और ये दोनों इस काम करते हैं और दोनों को ये संभालते चलन वलन करते। शुरुआत तो दोनों की विशुद्धि चक्र से होती है, पर इनका चलन वलन और संभालना और स्टीयरिंग जो है वो आज्ञा चक्र से होता है, जिस पर साक्षात महागणेश और महाभैरव बैठे हुए हैं, और जो सामने की तरफ यहाँ आज्ञा चक्र पे ये जो यहाँ पर ये ईसा मसीह का स्थान है। ईसा मसीह महाविष्णु है और उनके लिए कृष्ण ने कहा था कि मेरे मुझे जो जो चीज संसार में लोग अर्पण करेंगे उसमें से 16वां हिस्सा तुम्हारा रहेगा और तुम सारे संसार का आधार बन के आओगे और मेरे से भी ऊपर तुम्हारा स्थान रहेगा। हालांकि श्री कृष्ण का स्थान ये है विराट का, लेकिन यहाँ पर बीच में आज्ञा चक्र में दोनों जगह देखिए कि इस और इसके बीच में उन्होंने अपने बेटे को बिठाया, और राधा जी जो थी वही मेरी है, वही संसार में मेरी के रूप में आई थी और उन्होंने इस बेटे को लाया था। ये सारा खेल और नाटक इसलिए किया गया कि मनुष्य की मूर्खता वो समझ दे कि अपने अहंकार में, अपने ईगो में उन्होंने ईसा मसीह जैसे आदमी को, जो कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, उनको तक पहचाना, लेकिन अब ऐसा नहीं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ चाहे आपने कुछ भी कहा हो उसकी मैं माफी कर दूं, और मेरे साथ आपने कोई भी ज्यादती की है उसकी मैं माफी कर दूं, लेकिन अगर होली घोष्ट माने आदि शक्ति के खिलाफ अगर किसी ने जरा सा भी कदम उठाया तो उसको मैं देख लूंगा। साफ साफ शब्दों में कहा उसका पनिशमेंट जो है वो बहुत गहरा होगा। साफ साफ उन्होंने इन शब्दों में कह दिया है
अगर आप बाइबल पढ़े तो आप देख लें इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि होली घोस्ट संसार में आने वाले और होली घोस्ट से ठंडी हवा आएगी, कूल ब्रीज आएगा, ये भी बाइबल में लिखा है। इसलिए ईसाई लोग मुझे जरा, मतलब हिंदुस्तान के नहीं लेकिन बाहर के, बहुत जल्दी मान जाते हैं क्योंकि ये पहचान है होली घोस्ट की, ये आदिशक्ति की पहचान। और किसी से भी ऐसी ठंडी हवा नहीं आती है जैसे कि होली घोस्ट से आती है, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सबसे तो आश्चर्य है वहाँ एक विलियम ब्लेक नाम का आदमी, जो कि एक बहुत बड़ा कवि 100 साल पहले हो चुका है, उसने यहाँ तक लिख दिया है कि हमारा आश्रम कहाँ रहेगा, लैम्बेथ वेल आश्रम रहेगा, जहाँ रूइंस में फाउंडेशन पड़ेंगे, जो सही बात है, और जहाँ मैं पहले पहले लंदन में गई थी, जो जगह जहाँ मैं सरे हिल्स में रहती थी, वहाँ भी लिखा कि फर्स्ट बीकॉन्स विल बी लिट इन सरे हिल्स। और यहाँ तक लिखा है कि उनके जो प्यार के वाइब्रेशंस हैं वो सिन्यू जो हैं स्त्री की तरह हर जगह हर इस्तेमाल किया है। और इतनी बारीक चीज सहयोग की लिखी है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है वो ये कि सहयोग में लोग प्रॉफिट्स हो जाएंगे, माने प्रेषित होंगे, माने पार हो जाएंगे, जो भगवान के लोग हैं मैन ऑफ गॉड जो है पार हो जाएंगे। और एक विशेष बात होगी कि ये लोग जो पार होंगे ये दूसरों को भी प्रॉफिट बनाए, इसका सारा वर्णन उन्होंने दे दिया है। इसी तरह से बाइबल में भी जॉन के रेवलेशन में सहयोग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, जो समझने वाले हैं उसे पार होने के बाद समझ सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणियां हर एक जगह हुई हैं, जो समझदार लोग हैं वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है उनके लिए काला अक्षर भैंस सामने क्या होता है, वैसी ही बात, उसी तरह की चीज है कि आदमी को समझ आने के लिए ही पार करना पड़ता है। जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आया तो आप भी इस बात को नहीं समझ सकते, इसलिए पहले पार हो जाइए, तब आप समझेंगे और पूरी बात को आप जानेंगे।